नेशनल गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं चैनल के ऊपर डेली आपको रीजनिंग और जीके पढ़ाती हूँ। रीजनिंग की क्लास डेली अपलोड की जाती है अभी 2 बजे, मैथ की क्लास डेली अपलोड की जाती है 1 बजे और जीके की क्लास की टाइमिंग है शाम को 8 बजे। और करंट अफेयर जो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे। अगर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलती है तो इस टाइमिंग पे आके आप चेक कर लिया करो, प्लेलिस्ट में चले जाया करो, वहां पे सारी वीडियो ऐड कर दी जाती है। अब तक की टोटल हमारी 30 क्लासेस मैथ की हो चुकी है, 30 क्लासेस रीजनिंग की हो चुकी है और 36 क्लासेस हमारी रीजनिंग की हो चुकी है, जीके की हो चुकी है। ओके, तो ये सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके जो बच्चे नए हैं वहां जाके आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सारी क्लासेस लगाने के बाद आपको किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, चाहे वो जीके हो, मैथ हो या रीजनिंग हो। आज की क्लास हमारी 31 क्लास है रीजनिंग की और टॉपिक हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्शन। डायरेक्शन का ये हमारा पार्ट 4 है, आज हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी अगर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट के अंदर आप लिख देना, आपका हर डाउट सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, रैंकिंग, सीरीज, अर्थमेटिक, रीजनिंग, बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप सब ने हमारा बहुत साथ दिया है इन 30 दिन के सफर में, सबसे ज्यादा सपोर्ट आप लोगों ने किया है हमारा। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अगर आपके पास बहुत अच्छी सर्विस नहीं भी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं भी है, तो भी अगर हमारे पास नॉलेज है तो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देखेंगे। फोन से आपको वीडियो शूट करके दी जाती है, फिर भी आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया है। हो सकता है वीडियो की क्वालिटी इतनी ज्यादा बेटर ना हो, वीडियो के अंदर जो इमेज हम लोग दिख रहे हैं आपको वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है। फोन से हम शूट करके आपको देते हैं, फिर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं, व्यू इंक्रीज हुए हैं। बस अपना साथ इसी प्रकार से बनाए रखना और आगे से आगे इस चैनल पे जुड़े रहना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा डायरेक्शन। इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे। टोटल पूरी डायरेक्शन के अंदर 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा लिए। आज हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे सारे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अगर बैकग्राउंड के अंदर अगर आपको आवाज आ रही है तो उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आपको टाइम के ऊपर वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर कोई भी साउंड आ रहा है तो उसको इग्नोर कर देना। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉनसन अपने ऑफिस से कार से चला, यानी ऑफिस से वो कार से चले और उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चले। पहले सबसे पहले है जॉनसन उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। मैं यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दिशाएं बना देती हूँ पहले ताकि जो बच्चे नए हैं उनको दिक्कत ना हो। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हो जाएगी हिंदी में उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ओके, अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के बाद ये चैप्टर करोगे, यहाँ पे ये वाली क्लास अटेंड करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेफ्ट को बोला जाता है बायां और राइट को बोला जाता है दायां। ठीक है, तो ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए। अब आराम से आप क्वेश्चन लिखना, पहले खुद से ट्राई करना, नीचे कमेंट करना, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखना। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, जॉनसन जो है उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। पश्चिम के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ा है और कितना चला है, वो 5 किलोमीटर चला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, उसके बाद वो पूर्व में मुड़ा और 8 किलोमीटर, पूर्व में मुड़ता है वो और कितना चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। नेक्स्ट में वो अपने दाई ओर यानी कि राइट साइड में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, राइट साइड में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है और वो आप कौन सी दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखें तो वो आप किस दिशा में है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी बतानी है और स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखें तो वो आप कौन सी दिशा में है। तो जल्दी से पहले खुद ट्राई करिए, उसके बाद आपने इसका सोल्यूशन देखना है। ओके, पूर्व में 8 किलोमीटर हो गया, फिर राइट साइड में वो 10 किलोमीटर चलेगा
और जिस बिंदु पर वो पहुंच चुका है उससे लेके स्टार्टिंग पॉइंट की आपको दूरी बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही बार में अगर आपने तीनों पार्ट्स लगाए हैं तो एक ही बार में आपका आंसर आना चाहिए। ओके, अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला है। जॉनसन का सफर शुरू होता है, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे बना दिया, पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से जॉनसन का सफर शुरू होगा, उत्तर में 15 किलोमीटर चल रहा है तो उत्तर ऊपर वाली साइड होता है, तो मैंने यहाँ पे उसको चला दिया 15 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पश्चिम में वो 10 किलोमीटर पश्चिम इस साइड होता है तो यहाँ मैंने चला दिया उसको पश्चिम में 10 किलोमीटर, दक्षिण में 5 किलोमीटर। टोटल कितना है ये? 15 है। तो अगर वो 5 चलेगा, मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग बना लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब वो दक्षिण में 5 चल रहा है, अब ये टोटल 15 है तो आपको पहले ही रोकना पड़ेगा, मैंने उसको यहाँ पे रोक दिया, ये 5 किलोमीटर चल लिया वो। ठीक है, उसके बाद वो पूर्व में 8 किलोमीटर, पूर्व इस साइड होता है, ये टोटल 10 है तो हमें इससे पहले रोकना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे उसको कहीं रोक दिया, ये 8 किलोमीटर हो गया। ओके, फिर वो राइट साइड, अब वो पर्सन ऐसे चल रहा है, इसका राइट नीचे होगा और राइट साइड मुड़ेगा 10 किलोमीटर। अब ध्यान दो कि आप उसको कहाँ पे रोकोगे, ये टोटल 15 था, 5 वो यहाँ तक कवर कर चुका है ऑलरेडी, अब कितना बच गया? 10 बच गया, और यहाँ भी कितना बोला हुआ है? 10, यानी कि बिल्कुल इसके सामने आके आपको रोकना पड़ेगा, ये 10 किलोमीटर वो यहाँ पे चल लिया। ठीक है, राइट में चल लिया। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है, ये दूरी कितनी है इनके बीच में, ये टोटल कितनी थी हमारी? 10 थी, 8 ऑलरेडी वो चल चुका है यहाँ पे, तो ये कितनी बचेगी? 2 किलोमीटर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो वो कौन सी दिशा में है? अगर यहाँ खड़े होकर देखें तो वो इस साइड है, और ये साइड कौन सी होती है? पश्चिम होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो अब वो कौन सी दिशा में है? तो वो पश्चिम दिशा में है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो आपको ना तो मैथ में प्रॉब्लम आनी, ना ही रीजनिंग में प्रॉब्लम आनी, ना ही जीके में प्रॉब्लम आनी। जो स्टूडेंट ये बोलते थे कि हमें जीके याद नहीं होते, आज उनको जीके याद होने लगी। जो स्टूडेंट्स ये बोलते थे उनको मैथ समझ में नहीं आता, आज उनको मैथ समझ में आने लग गया। रीजनिंग तो वैसे भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैथ और जीके में आती थी, वो प्रॉब्लम हमारे चैनल की तरफ से आपकी दूर होगी। आप लोगों की लाइफ में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम अपनी तरफ से कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी किस्मत मान सकते हैं कि हम आप लोगों के काम आ रहे हैं, हमारे कारण इस देश का भला हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का भला हो रहा है। आप लोग यूपी से देखते हो, एमपी से देखते हो, कोई छत्तीसगढ़ से देख रहा है, बच्चों के कमेंट आते हैं हम बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, आपकी वीडियो से हमें बेनिफिट हो रहा है। किसी भी पर्सन की लाइफ में अगर हम चेंज कर पा रहे हैं तो उससे हमारा देश का विकास होगा, आप लोगों का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज को जितना हो सके उतना शेयर किया करो, अगर आपके पास भी कोई नॉलेज है तो उसको शेयर करिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता है। आप लोग जितना शेयर करोगे अपनी नॉलेज को उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपके कारण किसी ना किसी का भला जरूर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, किस किस का सही आंसर आया है नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया और 15 मीटर चलने के बाद वो 15 मीटर चलने के बाद दो बार बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद दो बार बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ी है, और कितने कितने मीटर? 15-15 मीटर ही मुड़ी है दोनों बार। ओके, उसके बाद आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, और वो स्टार्टिंग पॉइंट से देखे तो किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से देखे किस दिशा में है, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बस एक हिंट यही है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो दो बार यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुड़ी है, कितना कितना मुड़ी है? 15-15 मीटर मुड़ी है, तो ये वाला पॉइंट इसमें मेन है। चलो शुरू करते हैं, दक्षिण में 15, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बना दिया, दक्षिण में वो 15 मीटर चल रही है दो बार लेफ्ट साइड। अब वो दक्षिण में चल रही है, अगर वो ऊपर जाती है तो ये लेफ्ट हो, ये राइट होता है, तो नीचे अगर आएगी तो ये लेफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वो 15 मीटर मुड़ गई। उसके बाद वो दोबारा लेफ्ट मुड़ेगी 15 मीटर, तो यहाँ पे बिल्कुल उसके सामने आके 15 मीटर मुड़ जाएगी।
ठीक है, क्या पूछा गया है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, ये एंडिंग पॉइंट है, अगर यहाँ खड़े होकर देखें तो वो पूर्व दिशा में है, और कितने मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 15 मीटर का डिस्टेंस है, तो आंसर आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट की दूरी 15 मीटर है, और स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो वो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में। आगे समझ में, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें एक व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में है, एक व्यक्ति का फेस, सारी टाइप्स के क्वेश्चन की रिवीजन करा दूंगी मैं आज आपको और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा में है, यानी उसका जो मुंह है वो उत्तर दिशा में है, उत्तर यानी कि नॉर्थ में, नॉर्थ में उसका फेस है। सबसे पहले वो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, उसके बाद वो 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, उसी दिशा में घूमता है, उसके बाद 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग, सॉरी आपको ये बताना है अब उसका जो फेस है वो किस दिशा में है, यानी अब वो कौन सी दिशा में है। तो इस टाइप के मैंने कल आपको सम कराए थे कि डिग्री वाले जो सम है वो किस प्रकार से हमें करने हैं, उत्तर दिशा में उसका फेस है, जब भी डिग्री वाले सम हो ये बना लिया करो, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ लिखा और ये उसका फेस यहाँ पे है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो वो इस साइड मुड़ेगा। अब ये टोटल कितना है 90, और 90 के बाद ये कितना हो जाएगा 45, तो यहाँ पहुंच जाएगा वो, उसके बाद 45 डिग्री उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है, तो 45 डिग्री ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा वो, उसके बाद 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स घूमेगा, पहले 90 यहाँ पे, 90 यहाँ पे और यहाँ पे पहुंच गया वो, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी होती है भाई, ये दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, यानी अब वो कौन सी दिशा में है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है। आगे समझ में, अगर एक बार देखो स्टार्टिंग के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाया था, कोई भी जल्दबाजी नहीं की थी, और पार्ट फोर के अंदर क्या है हम रिवीजन कर रहे हैं, अगर पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री आपने अच्छे से समझा है तो पार्ट फोर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, ए उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वो राइट साइड मुड़ जाता है 8 किलोमीटर, राइट साइड मुड़ गया वो 8 किलोमीटर, वहां से वो दोबारा राइट साइड मुड़ रहे हैं कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी होगी, और स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो अब वो कौन सी दिशा में है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ए उत्तर में 10 किलोमीटर, ये मैंने पॉइंट बनाया, उत्तर में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट में 8 किलोमीटर, राइट इट साइड हो जाएगा, राइट में 8 किलोमीटर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर में 10 किलोमीटर और राइट साइड में 8 किलोमीटर, फिर राइट में 5 नीचे आएगा, टोटल 10 है तो पहले आके रुकेगा, तो ये मैंने यहाँ पे 5 किलोमीटर चला दिया। आपसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, ये वाली दूरी पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है, ये दूरी पूछी गई है। अब आपको पता है जब भी लाइन हमारी इस प्रकार से टेढ़ी बन जाए हमारे पास पाइथागोरस लगाना पड़ेगा हमें, और पाइथागोरस लगाने के लिए या तो आपको 90 डिग्री चाहिए, अब यहाँ 90 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ तक सारे पॉइंट मिले होने चाहिए, अब मिले होने चाहिए, या तो इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है, या फिर इसको यहाँ से मिला दो, जैसा आपका मन करे वैसा आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये आपको बताना है, यानी करण का करण बताना है आपको कितना होगा, अब यहाँ पे क्या है, ये कितनी है, टोटल 10 थी, 5 कवर कर ली, ये 5 बच गई हमारे पास, ये टोटल कितनी है, 8 है हमारे पास, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 64, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 89, और 89 को हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, तो 89 हमारा आंसर हो जाएगा, और एंडिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे था, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखें तो वो इस दिशा में है, और ये दिशा कौन सी है हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 89 नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो ये पाइथागोरस वाले सम में जिन बच्चों ने रेलवे का पेपर देना है और डीआरडीओ के अंदर रेलवे में एसएससी में इस प्रकार के सम आजकल पूछे जाने लगे हैं। पेपर में जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्जामिनर का लेवल भी बढ़ रहा है, तो आपको बिल्कुल ईजी नहीं लेना। अगर आपके 35 नंबर की रीजनिंग आ रही है और अगर आप रीजनिंग के अंदर 30 नंबर ले रहे हो और ये समझ रहे हो कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, तो ये स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो बच्चा रीजनिंग में 30 नंबर ले सकते हैं वो रीजनिंग में 35 भी तो ले सकते हैं ना, तो अपने आप को इस काबिल बनाइए कि रीजनिंग में आपके 30 तो क्या आपके 34 नंबर भी ना आए, आपके 35 है तो 35 में से 35 आना चाहिए। अगर आपके 50 नंबर की रीजनिंग आती है तो 50 में से 50 आना चाहिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर 30 नंबर ला सकते हो तो 35 भी तो ला सकते हो ना। खुद के दिमाग में ये सेट कर लो कि हमें एक भी नंबर नहीं कटवाना तो वो नंबर नहीं कटेगा। अगर आप लोग ये सोचोगे चलो कोई नहीं 33-34 आ गया बहुत है, वो 33-34 पे आके ही आप लोग रुक जाओगे। और इतना ज्यादा कंपटीशन के अंदर एक नंबर की इम्पोर्टेंस क्या होती है ये वो स्टूडेंट्स जानते हैं जिनका सिलेक्शन पॉइंटों से रुकता है, ठीक है। जो आईएएस के लिए मेहनत करते हैं या जो भी नॉर्मल कोई भी जॉब है, एक नंबर से रह गए, दो नंबर से रह गए, उनको पता है एक या दो नंबर की इम्पोर्टेंस क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक दिन सूर्य उदय के समय दो मित्र सुधीर और मोंटू, सूर्य उदय के समय दो मित्र है, एक है सुधीर और एक है मोंटू, दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं और इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि मोंटू की परछाई ठीक उसके दाइयों पर पड़ रही है। मोंटू की जो शेडो है वो ठीक मोंटू के दाई ओर पड़ रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है जो सुधीर है वो उसका फेस जो है वो किस दिशा में है, सुधीर का फेस किस दिशा में है, ये हमारा क्वेश्चन है। शेडो वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, कैसे करेंगे हम इसमें सुधीर, मैंने आपको बताया था सूर्य उदय और सूर्य अस्त, तो सूर्य उदय का बोल रखा है तो सूरज हमारा यहाँ पे होगा। अगर सूरज हमारा पूर्व के अंदर है तो परछाई हमेशा पश्चिम में पड़ेगी। अब यहाँ पे दाई और बायां बोल रखा है तो दोनों फ्रेंड खड़े तो ऐसे ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब एक सुधीर होगा और एक मोंटू होगा, किसको नाम दे, मोंटू की परछाई उसके दाई ओर। अगर मैं इसको मोंटू नाम दे दूंगी तो परछाई तो इसी साइड है, ये मोंटू का बायां हो जाएगा, तो ये मोंटू का दाया नहीं हो सकता, ये मोंटू हो जाएगा और ये सुधीर हो जाएगा, ठीक है। अब सुधीर का फेस कौन सी दिशा में है, तो आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा में है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। किस किस टाइप के सम आएंगे, सिंपल दिशा पूछी जा सकती है, दूरी पूछी जा सकती है, उसके बाद डिग्री वाले सम आ सकते हैं, और नेक्स्ट कौन सा शेडो वाले सम आ सकते हैं यानी परछाई वाले। चारों टाइप के सम मैंने आपको बता दिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भी टाइप के सम में हो तो नीचे मुझे कमेंट जरूर कर देना, ओके। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से मुझे नीचे आंसर दे देना, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 30 ही सेकंड होंगे आपके पास, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ 30 सेकंड में ही आपने आंसर देना है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम को बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज वो 90 डिग्री मुड़ता है। उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज कितना मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। आपको बताना है कि अब वो कौन सी दिशा में है, यानी वर्तमान में वो कहाँ पर है या उसका फेस किस दिशा में है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। जितने स्टूडेंट्स ने पूरी डायरेक्शन सुनी है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, वो इसका आंसर जरूर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं या कितना सीरियसली आप लोग पढ़ रहे हो। जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका कमेंट के अंदर आंसर जरूर दिया करो, ताकि हमें पता चले कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। कल हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट। अब तक जितने चैप्टर हो चुके हैं, किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना, ओके। थैंक यू।